सुप्रीम कोर्ट में लगातार कई घंटों तक चली बहस के बाद अब इसका रिजल्ट जो है, हियरिंग जो है, जजमेंट जो है, वो गुरुवार तक होल्ड कर लिया गया है। गुरुवार को पता चलेगा कि इसमें क्या जजमेंट दिया जाएगा। पर विकास सिंह का ये कहना है कि उनको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये सीबीआई को चला जाएगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पिटिशनर खुद सीबीआई की मांग कर रहा था, और वही बात जो है, खुद जस्टिस ने पूछी उनसे कि आप कर रहे थे, आपने प्ली की थी ना सीबीआई के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ की थी। तो कहीं ना कहीं वो अपनी ही पिटीशन में क्यों बार बार कॉन्ट्राडिक्शन करती हैं, ये बात को विकास सिंह ने उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिंघवी और दीवान जो कि रिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से केस को प्रेजेंट कर रहे थे, उनके साथ एक्सटेंसिवली बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हैं। ये पूरे केस को जो कहा जा रहा है कि राजनीति का रंग दिया जाने की कोशिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक पिता ने अपना बेटा खोया है, उनका एक प्रॉमिसिंग सन था वो खोया है, और ये क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पटना में है, क्योंकि पटना में उनके पिता रहते हैं। तो ये जो है पटना में एफआईआर हो सकती है, क्योंकि ये जो पूरा घटना हुई है, जितना भी सब कुछ हुआ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पर है जहाँ उनके पिता रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक रूल ब्रेकिंग जजमेंट मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमने कहीं पे भी पिटीशन में ये नहीं कहा है कि महाराष्ट्र के सीएम का बेटा, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने अपने पिटीशन में कहीं पे भी इस बारे में बात ही नहीं की, जिक्र भी नहीं किया है। और नीतीश सरकार ने इसमें सीबीआई जांच के लिए कहा है, ऐसा भी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के बेटे का नाम आने के बाद जो है इसमें एफआईआर बनता था, उसके बाद जो है चीज़ें आगे डेवलप हुई हैं। नीतीश सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। रिया सिर्फ और सिर्फ सिंपथी गेन करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है विकास सिंह ने हियरिंग खत्म होने के बाद मीडिया के साथ कही, जिसमें मुख्य उनको ये था कि उनको कॉन्फिडेंस है कि इसमें सीबीआई जांच होगी। उनको लगता है कि इसमें जो है रूल ब्रेकिंग जजमेंट आएगा, और अब सभी को इंतज़ार है गुरुवार का कि उस दिन जो है सुप्रीम कोर्ट किस तरह का जजमेंट इस पूरे केस में देती है।